हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईएलएस न्यूज। तो चलिए बात करते हैं कि तेलंगाना में इस साल 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, तो किसकी बनेगी सरकार? या बीजेपी लहरा पाएगी अपना झंडा, या बीआरएस पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर अन्य में से कोई? जी हां, 119 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें मिलेगी, तो ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस जनता सर्वे के वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन। तो चलिए बात करते हैं कि तेलंगाना राज्य में इस साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिए हैं और कभी बीजेपी के लिए अछूत रहे राज्य में पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। और ग्रेटर हैदराबाद नगर में निकाय के चुनाव के नतीजे पार्टी के दक्षिण भारत में इस साल महत्वपूर्ण सूबे में उम्मीद की किरण दिख रही है। और बीजेपी में तेलंगाना के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर जीत मिली थी, और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में सुधार हुआ था और पार्टी ने 4 सीटें जीतने की सफल रही थी। और विधानसभा क्षेत्र में लिहाज से देखे तो बीजेपी में भले एक सीट जीतने में सफल हुई थी, लेकिन 2019 में जिन 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी ना, उस लिहाज से 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में इस प्रदर्शन में तेलंगाना बीजेपी उत्साह का संचार कर दिया है और पार्टी को सूबे में सियासी संभावनाएं बेहतर नजर आने लगी है। और बीजेपी ने तेलंगाना में कमल खिलाने का जिम्मा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को सौंपी है, और यूपी में बीजेपी को जिताने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बंसल ने तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया है। इसके बाद उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारियां तेज कर दी अपनी, और बूथ कमेटियों का बनने के लिए बीजेपी हाईकमान को प्रदेश में नेतृत्व आपसी मनमुटाव दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। और पार्टी के दिग्गजों ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर जाएं और लोगों को बताएं। तो इसी बीच आपका क्या कहना है, तेलंगाना में किसकी बन सकती है सरकार, कौन बनेगा अगला सीएम, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि तेलंगाना में किसकी बन सकती है सरकार। तो सबसे पहले जिले की बात की जाए, अलीदाबाद की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 0 सीट, और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले भद्रादी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 1 सीट, और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 5 सीटें, और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 22 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 6 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में भी 6 सीटें, और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले जगतियाल की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 1 सीट, और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं जनगांव की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले जयशंकर भूपल्ली की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में भी 1 और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों की, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा तो बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 8 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले जोगुलांबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ बात करते हैं कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि तेलंगाना राज्य की हमने 119 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 19 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले खम्मम की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले कुमारम भीम आसिफाबाद की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 8 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले महबूबनगर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मंचेरियाल की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं
हैं मेंढक की। दो विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में एक सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में भी एक सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में जीरो सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी जीरो विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 58 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 28 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मेडल मलकाजगिरी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीआरएस के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नगर कर्नूल की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नलकोंडा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 39 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में भी 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले निर्मल की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पेद्दापल्ली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 46 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 12 सीटें और अन्य के खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ चर्चा करते हैं राजन्ना सिरसिला की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 99 सीटों की तो बीजेपी खाते में 55 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं विकाराबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी बीआरएस कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0-0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 111 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले वन पार्टी की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी बीआरएस कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात कर ली हमने राज्य तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 68 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस के खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 15 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले यद्राद्रि भावनगरी की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और बीआरएस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 119 सीटों की पूर्ण ओपिनियन पोल की बात हो चुकी है जनता सर्वे की, तो ओपिनियन पोल आपके सामने तो बीजेपी खाते में 70 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीआरएस पार्टी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात हो चुकी है तेलंगाना की पूर्ण ओपिनियन पोल की, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, उस राज्य का नाम और पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।